सबसे पहले हम लोग जो शादी में आके खड़े खाना खाने बैठे हैं, और मैं थोड़ा सा शूट करूँगी, ज़्यादा नहीं, अपने फोकस अपने पात्र पे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं और मीनाक्षी हैं, वो दिख चुके हैं सामने, वो परेशान हूँ। हम चारों में बाकी साइडों में बैठे हुए हैं, तो मैं आज मेरे को मीनाक्षी को गप्पे मारने का मौका भी मिल गया ना। देखे वहाँ पे लोग सारे बैठे हुए हैं इस तरह से। ठंड नहीं तेरी कभी जो नगे कर दी जगटा ने, है ना? कितने ये देखो, वहाँ पे देखो टोकरियाँ साथ में हैं। कड़ी की टोकरी है, ये बर्तन जो होते हैं ना पीतल के बर्तन, मैं काफी बार बता चुकी हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगी अभी इनके बारे में। तो ये देखो, इसे बोले कहलूर में एक रिवाज है, यहाँ पे ना चावल ज्यादा ज्यादा देते हैं। बाकी बोटी है जो धोती लगा के रहते हैं। बागलूर कहलूर में बड़ा फर्क है, मतलब हर चीज में। अभी परेश आ रहे हैं बोटी, ये देखो पीतल की बाटी होती है, बर्तन पीतल की कड़छी होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं रुमनाक्षी और बाजू सब शादी उसकी भी नानकी और मेरी भी नानकी है, तो नानकी आ चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को बाजा सुनाती हूँ, बाजा बैंड बाजा। ये देखिए यहाँ पे नानकी आ गई है। ये मेरे मामा का लड़का है, शादी का घर, शादी वालों का घर। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले डीजे लगे हुए थे, वो बंद करवा दिए। और घर बहुत सुंदर है, मैं घर की अगर बात करूँ, घर बहुत प्यारा है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है नानकी, मतलब जो मासी है ना, मेरे नानकी आ चुके हैं, मतलब मासी के मायके वाले। मेरी ये जो मासी है ना, ये अम्मा के चाची की लड़की है। तो ये देखिए, और इनकी मैं आपको ना थोड़ी सी आगे सुनाऊंगी, बच्चों की काम। यहाँ बच्चे हैं इसके 22-24 साल के, दो लड़के हैं इसके, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब अभी देखो मासी ना बाहर सबको तिलक लगाएंगी, माला पहनाएंगी, सब जो भी मायके से आएंगे। तो ये रिवाज होता है हमारे यहाँ पे, देखते रहिए। अम्मा भी होंगी बीच में कहीं, और साथ में दूसरी बहन खड़ी है मासी की। सबको एक एक लाइन से लगे रहते हैं सारे, और आगे निकलते रहते हैं, हाथ पहनाते रहते हैं। और फिर ये थाली में, जो थाली लेके खड़ी है ना साथ में, इसमें ये मायके वाले 10-50 जो भी वो पैसे छोड़ते जाते हैं। ये हमारे रिवाज है यहाँ पे, जब भी मायके वाले आते हैं। और अगर इसकी बात करूँ, अगर मैं डेकोरेशन टेंट वगैरह बहुत अच्छी आ रही थी,
तो देखो यहाँ पे जो है सभी का मासी स्वागत कर रही है। और मास्टर की मैं बात करूँ तो मास्टर नहीं है हमारे, बहुत साल पहले वो उनकी डेथ हो गई थी। और थोड़ा परेशान रहता ना, याद आती है ना ऐसे खुशियों के मौके पे, अपनों की बहुत याद आती है जो हमें छोड़ के जा चुके होते हैं, कभी वापस नहीं आएंगे ये भी पता है। तो थोड़ा सा मतलब मायूस हैं। तो इसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे, ऊपर दो मंजिला मकान है ये मासी का। और इसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे, यहाँ पे किचन भी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, अंदर जो कमरे हैं घर के वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। जो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, बाकी दूल्हे के पास हमने गए वैसे मिलाऊँगी आपको बाकी। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मुझे अंदर नानियाँ बैठी थी, जो मासी की अम्मा हैं, दो अम्मा हैं उनके, और मेरी मतलब मेरी जो अम्मा है उनकी चाचियाँ, मासी बोलती हैं अम्मा भी उनको। तो ये देखो बाकी इतना प्यारा घर बनाया है बच्चों ने ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और ये दोनों बच्चे एक फ़ौज में है और दूसरा जो है वो पुलिस में है। और बाप कब का वो हो चुका, मतलब मास्टर नहीं रहे थे, फिर जिन बच्चों ने बढ़ना होता है ना एक शिक्षा है, ये बच्चे एक सच्ची में एक मिसाल है लोगों के लिए। ये दोनों बच्चों ने ये घर बनाया है, सोचो आप लोग। चलो अभी मैं आपको नानका वालों से मिलाती हूँ अपने। आओ आओ ना, बैक कैमरा करो इधर आओ ना। ये देखो मेरी भतीजी, देखो कितने साफ हर बात दस गयो। चलो भी अपना अपना नाम बताओ। लाइट बाय जो मैं नीलम, मैं मंजू, मैं बताती हूँ, आपको मैं आराम से बताती हूँ कि कौन कौन है। हेलो चंचला, हाय, ये कौन है भाई? मेरी मुन्नी भी आई। आप, मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। ये मेरी अम्मा है, ये मेरे अम्मा के भाई की लड़की है, और ये पतिजुओं की लड़कियां, मतलब मेरे मामा की पोतियां है ये। ये मामा की लड़की है, देखो कितने सारे। बोलना के घर पता कहाँ है? चंचला के घर बहुत दूर है, ऋषिकेश। ऋषिकेश सबसे छोटे मामा के। तो अभी जो फोन है वो मीनाक्षी ने पकड़ा था, मीनाक्षी शूट कर रही थी, मैं और हम अंदर जा रहे थे। आपको घर भी दिखाऊंगी, पहले मैं मिल लेती हूँ यहाँ पे। ये मीनाक्षी शूट कर रही थी और यहाँ पे बैठी थी नानियाँ, क्योंकि बुजुर्ग थे, उनको अंदर रजाइयों में बिठाया गया था ठंड की, ठंड ना लगे। तो ये नानियाँ और मेरी अम्मा को बहुत मानते हैं सब, मेरी अम्मा बहुत शरीफ है ना सब में। तो मेरे को पूछ रही थी कि कहाँ जाएगी। फिर हम तो शाम को मीनाक्षी के घर में आ गए थे ना, शुक्ला मीनाक्षी के घर में आ गए थे। और यहाँ पे इनके पापा की तस्वीर भी है बच्चों के, पर मैंने वो उस पर फोकस नहीं किया। मीनाक्षी शूट कर रही थी तो इनकी ट्रॉफियाँ, ये बच्चे ऐसे थे ना, मैंने इनकी स्टोरी सुनी है। शुक्ला और मीनाक्षी इनको बहुत मानते हैं, ये इनके मतलब जो शुक्ला है ना वो इनके ना कुल पुरोहित हैं। हाँ, कुल पुरोहित हैं मासी और के। तो इनके साथ बहुत अच्छा इनका वो है, व्यवहार है। तो बताते थे कि ये बच्चे 3:30-4 बजे सुबह उठ के चले जाते थे दौड़ने। अभी मिलाऊंगी मैं आपको आगे एक लड़के से,
और उसके बाद इनको ये लगता था कि हमारे घर में बहुत मुसीबतें हैं, बहुत परेशानियां हैं, तो हम जो है हमें कुछ बनना है ज़िंदगी में। तो जो इंसान सोचता है ना कि उसको अपना लक्ष्य दिखता है और अपनी परेशानियां दिखती हैं, माँ दिखती थी उनको कि हमारी माँ ऐसे वैसे कैसे गुजारा कर रही हैं, तो बहुत चीज़ें थी। लेकिन देखो आज वक्त सबका बदलता है, ऐसी ऐसी चीज़ें ना इन्होंने अपने घर में ये की हुई है कि शायद गाँव में और किसी के ना हों, ऐसा घर बनाया है। तो ये शायद मीनाक्षी शूट कर रही थी यहाँ पे, ये कमरा ये है, मैंने बोला कि कमरे शूट कर देना अगर ये लगे, ये कमरा ये है और ये हॉल है इनका, मतलब जो एंट्रेंस पहला कमरा है वहाँ से सभी कमरों को जाते हैं। तो ये देखो ये मामा है और ये सोफे, मेरे को सोफे बड़े अच्छे लगे सच्ची में, सोफा मेरे को बहुत सुंदर लगे। आप लोग बताना सोफे कैसे लगे यहाँ पे आप लोगों को। ये साथ में ये है और एल शेप में शायद सोफे है ना, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दरवाजे टाइल्स में हर चीज़ देख रही थी हर चीज़। और इन बच्चों ने, दोनों बच्चों ने कराए, एक पुलिस में और एक फौज में है। तो आज अपनी माँ को बोलते हैं, दूध बेचती थी मासी, तो अपनी माँ को बोलते हैं आज की कुछ नहीं करना है आपने अम्मा मम्मा, और हम खुद करेंगे सब कुछ, हम खुद करेंगे, आपने नहीं अब एक गाय रखनी। मासी तो बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है, और ये मासी की भाभी है मतलब मेरे अम्मा के चाची की बहू। और ये देखो यहाँ पे शायद ये, हाँ यहाँ पे किचन है आगे, मैं आपको किचन दिखाऊंगी। और ये देखो ऊपर से दो मंजिला मकान, 10-15 कमरे हैं कम से कम, पर ये देखो नीचे ऐसी टाइलें, वैसी टाइलें हैं जैसे हमारे पास है ना, वैसी ही टाइलें, इनका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है। और यहाँ पे बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे आपस में, और इतना अच्छा बरामदा इन्होंने आगे को निकाला हुआ है ना, और बहुत सुंदर। बच्चे हों तो ऐसे कहते हैं, बच्चे वो बच्चे नहीं होते जो माँ बाप के दम पे कुछ होते हैं, बच्चे तो वो बच्चे होते हैं जो अपने दम पे कुछ करके दिखाते हैं। मानती हूँ मैं इस चीज़ को, मैं बहुत फॉलो करती थी इन बातों को, सोचती थी हमारे बच्चों का पता नहीं भगवान जाने कैसा होगा, क्या होगा इनका भविष्य। मैं एक बार फिर से मैंने खुद शूट करी ये चीज़ जो मेरे को मतलब अच्छी लगी, तो मैंने ये खुद शूट करी। और ये ऐसा कलर कराया इन्होंने दीवारों में, और यहाँ पे शुक्ला मैं और अम्मा खड़े थे, मीनाक्षी शूट कर रही थी, फिर मैं मीनाक्षी और मैंने फिर खुद बनाई अपनी वीडियो। एक हो जाती ना एक मेमोरी रह जाती है। तो और यहाँ पे फिर हम चल पड़े थे कोई 11 की बजे, क्योंकि शादी के घर में तो आप लोगों को पता है कि कैसा माहौल रहता है, तो यहाँ पे ढंग से सो भी नहीं सकते। और फिर हमें जाना था यहाँ पे, हमने मतलब खाना खा लिया था, शगुन वगैरह लगा दिया था, ये इनकी रसोई, मैंने लास्ट में चलते चलते रसोई भी कैप्चर कर ली। और ये माता जी यहाँ पे बैठी हुई, मीनाक्षी की सास, शुक्ला की माँ, और फिर हम लोग जो ना हम चल पड़े थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तकली बाय। अच्छा वो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आगे बहुत सारी शादी की वीडियो आने वाली है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। मुझे अभी शादी में जाना है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे वीडियो एडिट कर रही थी अपने काम के लिए, मैं ऐसे रहती हूँ कि मेरी वीडियो रह गई जाने को, और अभी ऊपर हैं सभी लोग। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना वीडियो को। जय माता दी।